मुरादाबाद में तेंदुए के आतंक का खौफ एक बार फिर से देखने को मिला। एक तेंदुए ने 11 साल की मासूम बच्ची पर हमला बोल दिया। गनीमत ये रही कि उसकी दूसरी बहन भी उसके साथ ही खेल रही थी और उसने बहादुरी दिखाते हुए अपनी बहन को तेंदुए के चुंगल से छुड़ा लिया और चिल्लाने लगी। बच्ची की आवाज़ सुनते ही परिजन पहुँचे और मौके पर ग्रामीण एकजुट होकर तेंदुए को भगा दिया। घायल बच्ची के परिजनों ने प्रशासन वन विभाग की तरफ से कोई भी मदद नहीं दी गई है। बाहर कोई तो मेरे किले निकल गए, फिर मैंने पकड़ा, फिर मेरे अम्मी ने खींचा। जो काफी आदमी छोड़ ले थे, वो चीता आया, वो पेशाब करने के लिए बैठा था, तब बैठने नहीं पाया। चीता ने जो छलांग मारी तो उसके ऊपर कूद कर जो है मुँह फैला के जो भगा तो वो जो है चक्कर खा के वो वहीं गिर गया। छतरपुर में एनटीपीसी के प्लॉट को दोबारा शुरू कराने के विरोध में छतरपुर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अजीबोगरीब प्रदर्शन किया, जिसमें बजरंगियों ने अपना मुंडन कराया और सरकार को चेतावनी भी दी है और कहा है कि एनटीपीसी प्लॉट को जल्द से जल्द शुरू नहीं कराया जाता तो भोपाल जाकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे और भोपाल की सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे। बजरंग सेना के जिला प्रमुख रणवीर पटोरिया ने बताया कि प्लॉट के दोबारा शुरू होने से जिले में लगभग 20,000 से ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। मुंबई पुलिस ने कारोबारी नेस वाडिया के खिलाफ उत्पीड़न के एक मामले में आरोप पत्र दाखिल किया। अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने 4 साल पहले वाडिया के खिलाफ उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। एक अधिकारी ने कहा, हमने कोर्ट में कल आरोप पत्र दाखिल किया, वाडिया अदालत में मौजूद थे, उन्हें जमानत मिल गई है। मई 2014 में आईपीएल क्रिकेट टीम किंग्स 11 पंजाब की मालकिन प्रीति जिंटा ने वाडिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। तमाम कोशिशों के बाद भी तलाक का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आगरा में एक बार फिर से तलाक का मामला सामने आया है। एक इंजीनियर ने अपनी पत्नी को तलाक नामा भेज दिया है। पीड़िता पत्नी जगह जगह न्याय की गुहार लगा रही है। आगरा के बालूगंज की रहने वाली रूही की शादी बेंगलुरु के रहने वाले नासिर खान के साथ 4 साल पहले हुई थी। नासिर एक इंजीनियर है। नासिर ने अपनी पत्नी से एक कार और 15 लाख रुपए की मांग करता था। रूही के घर वाले इस मांग को पूरा नहीं कर पाए तो रूही के साथ आए दिन मारपीट नासिर करता था। इसी बीच रूही ने एक बेटी को जन्म दिया। फिलहाल रूही न्याय की गुहार लगा रही है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सूबे की कमान संभालते ही प्रदेश के उस सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने का निर्देश तो जारी कर दिया, लेकिन उनके आदेशों को अनसुना किया जा रहा है। इसका अंदाजा इनकी टूटी हुई सड़कों को देखकर लगा सकते हैं, जहां पता ही नहीं चलता कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। पहाड़पुर से रंगोली गाय घाट से सहित दर्जनों सड़कें ऐसे ही जो आज भी गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई है, न ही इनका पुनर्निर्माण हो सका है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सांसद दिग्विजय सिंह मंडला पहुंचे। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह इन दिनों नर्मदा की प्रतिमा पर निकले हैं। दिग्विजय सिंह के साथ उनकी पत्नी अमृता राय भी नर्मदा की प्रतिमा कर रही हैं। मंडला नगर से रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए दिग्विजय सिंह ने फर्जी वोटर लिस्ट और नक्सली समस्याओं पर भी बात की। मैंने हमेशा कहा है कि नक्सल समस्या का जो निदान है चर्चा के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से वे आदिवासियों के बीच में रहकर उनको एक हिंसा के रास्ते पर ले जाते हैं, इसलिए बेहतर ये होगा कि आदिवासियों को भरोसे में लेकर नक्सल के प्रभाव क्षेत्र से निकाला जाए। मानयोग अदालत ने पंजाब के मोगा में बहुचर्चित पासपोर्ट स्कैंडल केस में 3 पुलिसकर्मी समेत 25 लोगों को 3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने सभी लोगों पर 11,000 का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि साल 2007 में मोगा जिले में करीबन 400 से ऊपर पासपोर्ट गलत ढंग से बनाए गए थे, जिनकी शिकायत दर्ज होने के बाद कार्यवाही की गयी। आगरा में चल रहे ताज महोत्सव में मशहूर कव्वाल असलम साबिर ने कव्वाली पेश की। असलम साबिर ने सूफी अंदाज में कव्वाली सुनाई। असलम साबिर की कव्वाली सुनने के लिए भारी तादाद में लोग आए और लोगों ने कव्वाली का जमकर लुत्फ़ उठाया।